वाह, बहुत बहुत बधाई। देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं आयुष्मान जय। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़े, 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और ये पटना बिहार से हैं। कंपेनियन के रूप में आप अपने माता पिता को लाए हैं, और कौन है साथ में? सर मेरी दीदी। दीदी हैं, ओके। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, और आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और आयुष्मान, खेल के जो नियम है, रूल्स वगैरह हैं, वो तो उससे आप परिचित हैं ही। हाँ, और इसको हम बार बार नहीं दोहराएंगे। तो आयुष्मान शुरू करते हैं अब जो खेल। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? रेडी आयुष्मान? पहला प्रश्न 1000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस सर। लकड़ी के चूरे से इनमें से किसको अलग करने के लिए एक चुंबक का उपयोग किया जा सकता है? A magnet can be used to separate which of these from sawdust? ऑप्शन सुनिए। ए वॉटर, बी आयरन फाइलिंग्स, सी सॉल्ट, डी सैंड। पानी, लोहे का चूरा, नमक या रेत? सर इसका ऑप्शन बी आयरन फिलिंग्स होगा। बी आयरन फिलिंग्स पे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अभी चलते हैं तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स। रेडी आयुष्मान? यस। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किसकी गणना एक क्षेत्र में लगे बल को उस क्षेत्र से विभाजित करके की जाती है? Which of these is calculated by dividing force by the area on which it acts? ऑप्शन सुनिए। ए वोल्टेज, बी प्रेशर, सी टेम्परेचर, डी टाइम। वोल्टेज दबाव, तापमान या समय? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी प्रेशर। बी प्रेशर पे कह रहे था लगा दिया जाए। सही जवाब दिया। चौथा प्रश्न डालने से पहले हम आपसे ऐसे जान जाएंगे आयुष्मान जी, क्या जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या करना चाहेंगे? सर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? तो जब आप साइंटिस्ट बनेंगे तो किस चीज का आविष्कार करेंगे आप? सर मुझे टाइम ट्रेवल आविष्कार करना है। टाइम ट्रेवल? यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको आयुष्मान। Yes, चौथा प्रश्न आएगा और ये है 5000 पॉइंट्स के लिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन धृतराष्ट्र के पुत्र थे? Who among these was the son of धृतराष्ट्र? ए द्रोणाचार्य, बी कर्ण, सी दुशासन या डी अभिमन्यु। दुशासन, अभिमन्यु, कर्ण या द्रोणाचार्य? प्लीज लॉक ऑप्शन सी दुशासन। दुशासन कह रहे हैं, सी पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमारा पांचवा प्रश्न खेल का पहला पड़ाव, 10,000 पॉइंट्स। रेडी आयुष्मान? यस सर। ऑन योर स्क्रीन नाउ 5th क्वेश्चन। ये एक वीडियो प्रश्न है आयुष्मान, ऑलराइट? इस वीडियो में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र देखा जा सकता है? What geographical region can be seen in this video? Can we see the video, please? This is Ellesmere Island, the closest land to the North Pole. It's winter, and for the last 4 long months, the only light here has come from the moon. देख लिया, और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए कैरेबियन, बी आर्कटिक, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेज़न। सर इसका बी आर्कटिक लग रहा है, क्योंकि थोड़ा माउंटेनियस रीजन था और बर्फ भी थी, तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी आर्कटिक। बी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इट्स द राइट आंसर। आयुष्मान, हमारा सातवां प्रश्न 40,000 पॉइंट्स। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। पटना और हाजीपुर शहरों को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? कनेक्टिंग द सिटीज ऑफ पटना एंड हाजीपुर ओवर विच रिवर इज महात्मा गांधी सेतु बिल्ट? ऑप्शंस ए ब्रह्मपुत्र, बी ब्यास, सी लूनी,
बड़ी गंगा? सर लूनी तो राजस्थान में है और ब्रह्मपुत्र असम अरुणाचल प्रदेश से जाती है। ब्यास और गंगा पटना और ब्यास और गंगा में से लग रहा है। सर ऑडियंस बोल लेंगे, शांत हो जाइए, बाद में मत दीजिए। 16 सेकंड बचे हैं आपके आयुष्मान और ऑडियंस पोल आ गया है, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न यह है कि पटना और हाजीपुर शहरों को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ए ब्रह्मपुत्र, बी ब्यास, सी लूनी या डी गंगा? और आपका समय शुरू होता है अब। डी गंगा। यस सर। 71% दिया है, क्या करेंगे सर? डी गंगा के साथ जाना चाहूंगा। डी गंगा के साथ जाएंगे, इसको थाला लगा दिया जाए। क्षमता बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी सेतु जो है तो देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है, लगभग 5.6 किलोमीटर लंबा है ये। यस। अब आपको जब आप जाएंगे पटना घर अपने तो देखिएगा आप उसको। यस सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से भारतीय ओपन युग में टेनिस ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज पुरुष खिलाड़ी है? विच इंडियन इज द ओल्डेस्ट मेल प्लेयर टू रीच अ टेनिस ग्रैंड स्लैम फाइनल इन द ओपन एरा? ऑप्शंस ए राजीव राम, बी प्रजनेश गुणेश्वरन, सी सोमदेव देववर्मन, डी रोहन बोपन्ना। सर रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी। क्या करें? ताला लगा दीजिए। ऑलराइट, डी रोहन बोपन्ना, ताला लगा जाए। वेल प्लेड आयुष्मान, इज द राइट आंसर। ऑल राइट, चेक आ गया है आपके नाम, 3,20,000। आगे चलते हैं आयुष्मान जी, आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स और एक्सपर्ट लाइफलाइन अभी भी जीवित। ओके? यस सर। 12वां प्रश्न आयुष्मान जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी में सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है, जब उन्हें 25 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ ये पुरस्कार मिला था? विच नोबेल लॉरिएट इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट इन द फिजिक्स कैटेगरी बीइंग अवार्डेड एट द एज ऑफ 25 अलोंग विद हिज फादर? ऑप्शन देखिए, ए नील्स बोर, बी फ्रेडरिक जोलियो क्यूरी, सी रिचर्ड फेनमैन, डी विलियम लॉरेंस ब्रैग। सर मैंने ये अलग से सर्च किया था, मैंने एक बार प्लान किया था कि मैं यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट बनूंगा, वैसे अभी तक तो हुआ नहीं है कुछ प्रोग्रेस, पर हाँ मैंने सोचा था, तो इसीलिए मैंने सर्च किया था कि यंगेस्ट रेसिपिएंट इन फिजिक्स। अब मैंने वो पहले बहुत पहले सर्च किया था तो इसलिए उतना अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा लंबा नाम था वो। ऑप्शन बी क्यूरी तो नहीं हो सकता क्योंकि वो शायद से क्यूरी से रिलेटेड है, मैरी क्यूरी से, और नील्स बोर थोड़ा छोटा लग रहा है नाम, और रिचर्ड फेमन लग रहा है, और विलियम लॉरेंस ब्रैग ना सोनी। सर सी रिचर्ड फेमन। 6:40 आप जीत रहे हैं, सही जाएगा आपको 12:50। यस सर। एक लाइफलाइन है आपके पास एक्सपर्ट की, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। रिचर्ड फेमन ही बहुत लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। सर मैं ऑप्शन सी रिचर्ड फेमन के साथ जाना चाहूंगा। इसके साथ जाएंगे? यस सर। सोच लिया फाइनल उत्तर आपका? यस सर। ऑलराइट,
सी रिचर्ड फेनमन, ताला लगाया जाए। आयुष्मान ये गलत हो गया। विलियम लॉरेंस ब्रैग इज द राइट आंसर। विलियम लॉरेंस ब्रैग और विलियम हेनरी ब्रैग को 1915 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2014 में मलाला यूसुफजई को पुरस्कार मिलने से पहले विलियम लॉरेंस ब्रैग के किसी भी श्रेणी में नोबेल पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। यस। ऑलराइट, कोई बात नहीं आयुष्मान, तो 6:40 आप जीत रहे थे और अब आप आ जाएंगे नीचे 3:20 पे। 3:20 आपने जीता हुआ है और ये 3:20 हम आपको हमारे इस डिजिटल ऐप से ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और 3:20 हम ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर। 3:20, 1, 2, 3, 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये आपके बैंक अकाउंट में। यस, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, केबीसी की ओर से आपके लिए एक सर्टिफिकेट हम देना चाहते हैं। ये आपके लिए सर्टिफिकेट है।